नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल में। आज की दोस्तों जो जॉब है वो निकली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गुवाहाटी की तरफ से, जिसमें कि सभी भारतीय ऑफलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ₹5 फीस देनी है और आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। कौन कौन आवेदन कर सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बने रही वीडियो में मेरे साथ और साथ ही सीखे सही तरीका अप्लाई करने का। दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जारी करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गुवाहाटी की तरफ से, जिसमें कि सभी भारतीय, यहाँ पे उन्होंने लिखा भी इंडियन नेशनल जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास या इससे ज़्यादा आपने कुछ भी करा हुआ है तो इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करके रीड करके फिर जो है इसके लिए अप्लाई करिएगा। ऑफलाइन मोड से दोस्तों आपको अप्लाई करना है और सिर्फ आपके ₹5 लगेंगे, और ऑर्डिनरी पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से आपको जो है एक जो है उनका फॉर्म भर के भेजना है और बस यही है। तो यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं पोस्ट की तरफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ की दोस्तों जॉब है जो कि नॉन टेक्निकल होगी, जिसमें कि सफाई वाला होगा, कुक होगी, वेटर की होगी। और ये दोस्तों गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। यहाँ पे अगर आप एक बार जो है वो सेट हो जाते हैं तो उसके बाद जो आपकी लाइफ जो है फ्यूचर सिक्योर जो है वो हो जाता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी ज़्यादा नहीं है, 10वीं पास मांगा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, मैथ्स वेटर के लिए एक एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व्ड है, यानी कि आपको जो है SC ST के बगैर ही जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए है। लेवल 1 की जो है ये स्केल मिलेगा आपको पे का, और 18 से 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या कम जो है वो नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो अप्लाई जो है आप इजिली कर सकते हैं। कुक की भी दोस्तों दो पोस्ट हैं जिनके लिए लेवल 2 की जो है आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें भी जो है वो 10वीं पास मांगा गया है, साथ में अगर कुकिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल जैसा कि एज मैंने आपको पहले ही है जो बता दी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग दोस्तों आपकी इंडिया में कहीं भी हो सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी एंड सिलेक्टेड इंडिविजुअल आर लाइबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि आप जो है इंडिया में कहीं भी आपको जॉब दिला सकते हैं। लेकिन फिलहाल के इन्होंने ये चार चीज़ें सिक्किम, गुवाहाटी, असम में जो है वो रखा गया है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं तो स्क्रीनिंग एप्लीकेशन की जो है नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर ज़्यादा जो है उनको मिल जाती हैं, उनको लगता है कि कुछ ज़्यादा लोगों ने जो है अप्लाई कर दिया, तो आपको परसेंटेज के हिसाब से जो है वो आपका जो है वो फॉर्म निकाल लेंगे। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उसी को जो है वो रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका रिटर्न एग्जाम जो लिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपको जो है वो जॉब पर रख लिया जाएगा। फॉर्म आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा फिल करके आपको भेजना है, और ये वाले सर्टिफिकेट जो है इनकी फोटोकॉपी आपको सेल्फ टेस्टेड जो है वो भेजनी है, यानी कि अपने आप जो है वो सिग्नेचर करके भेजनी है। ₹5, जैसे कि मैंने फीस आपको बताई कि ₹5 फीस आपको देनी है। आपको सिर्फ एक एनवेल्प के ऊपर ₹5 की जो है वो पोस्टल स्टैंप लगा के उसको जो है एनवेल्प में डाल के ऊपर जो है एड्रेस डालना है, कौन सा, ये वाला ग्रुप कमांडर हेडक्वार्टर 22 मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप, ये वाला पिन। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है वो भेज देना है। रिटर्न टेस्ट आपका लिया जाएगा, 21 दिन के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन वहां तक पहुंच जानी चाहिए, यानी कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे भेज दीजिए। तो उसके बाद दोस्तों ये है फॉर्म का जो है वो परफॉर्मा, इस पे जो है आपको ये फॉर्म फिल करके यहाँ पे अपनी पिक्चर्स लगा देनी, साथ में एक दो भेज दीजिएगा, फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट की अटैच करिए, उसकी डिटेल भी यहीं पर मिल जाएगी, और जो है भेज दीजिए, अप्लाई कर दीजिए इस जॉब के लिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन एंड क्वेरीज हैं तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।